क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। हम शॉपिंग करने आए थे? शॉपिंग करने आए थे, मोबाइल देखने आई थी। कोई नया मोबाइल खरीद लिया? नहीं नहीं, खरीदना था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, बहुत महंगी है। बहुत ज्यादा खरीद के दें, वो इतने दूर से आए हैं। तो दादा आपका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। मोबाइल का आप क्या बनेगा, कितने पैसे थोड़ गए? 20 के रेंज थी और 40 बता रहे थे। 40 का हो गया? हाँ जी। पांच बेटियां एक बेटा है, तो मैं रिश्ते करवाती हूँ। आप रिश्ते रुश्ते करवा दी? हाँ, रिश्ते करवा। अच्छा, माशाल्लाह। तो कैसा चल रहा है काम आपका? शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला रोजी दे रहे हैं। रिश्ते आप करवाती हैं, कंप्लेंट तो नहीं आती उनकी? अल्लाह का शुक्र है। झूठ नहीं ना बोलते, झूठ बोलने से क्या देखते हैं रिश्ता करवाने से पहले? रिश्ता करवाने से पहले मैं घर पर देखती हूँ क्या स्टेटस है इनका, फिर उनका नेचर, बोलने का अंदाज, बातचीत करने का, घर का जो स्टाइल उनका, जिस तरह रहन सहन होता है। फिर सबसे बड़ी बात होती है ना, लड़का या लड़की, उसमें बात करने का अंदाज कि ये किस तरह बात कर रहा है, इसका लहजा क्या है, इसकी नेचर क्या है, और ये डिमांड क्या कर रहे हैं, ये चीज़ देखनी पड़ती है फिर अगले बंदे को। और लड़की वालों को ख़ास तौर पर इस चीज़ को बताना चाहिए कि जो सच है ना वो देखें। आजकल झूठ बहुत है, बहुत ज़्यादा झूठ है। ज़्यादा सच, ज़्यादा झूठ लड़के वाले बोलते हैं या लड़कियों वालों की तरफ से आता है? ज़्यादातर लड़के वालों की तरफ से होता है। ज़्यादा झूठ लड़के वाले बोलते हैं, क्योंकि घर अगर अपना नहीं है, रेंट पे ले लिया तो उसको अपना शो कर देते हैं। फिर आप कैसे वेरीफाई करती हैं? वेरीफाई हम लोग नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि फर्ज करें कोई आपके पास रिश्ता आ गया तो वो कहता है मेरा घर अपना है लेकिन घर किराए का है। बिल्कुल। तो आप कैसे? हम फैमिली से कहते हैं कि जाँच पड़ताल आपकी जिम्मेदारी है, हमें ये बताया गया है, आप इसका सारा बायोडाटा। अच्छा, आप बेटी वालों को जाके बता देती हैं कि? अच्छा, कि मुझे ये बताया गया कि ये घर अपना है, ठीक है, और ये हमारा कारोबार है, फलां जगह पे है, ये काम करते हैं, ये आपने वेरीफाई खुद करना है, सारा खुद करें, 8 दिन ले, 10 दिन ले, महीना ले। लड़के वालों की तरफ से झूठ बोलने के रुझान की वजह आप क्या समझती हैं? क्योंकि कुछ की ना 100 में से ना 20% सही है, 80% जो है ना वो शादियाँ की होती हैं, शादी हाँ जी बाहर की होती हैं या खुद से अपनी पसंद की। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई ऐसा वाकया कि आपने शादी करवा दी, बाद में पता चला कि शादी दूसरी है? एक नहीं, दो 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 की हुई है, ये तीसरी आपने करवाई? हाँ। और आपको भी नहीं पता चला? नहीं पता चला। और लड़की वालों को भी नहीं पता चला? पहली का पता बताया गया कि उसकी बीवी फोत होगी, एक बेटा है उसका। दोनों का नहीं, ये नहीं पता? दोनों का, एक को मरीज शो कर दिया, दूसरे का नहीं पता था, लेकिन दूसरी भी रखी हुई थी। पूरी बात मैं सुन, फिर दूसरी भी रखी हुई थी, वो बाद में पता चला जबकि बताया गया कि ज़्यादातर बाहर वाले जो लोग होते हैं ना वो ये इशू करते हैं, वो करते हैं। हाँ। तो वो तो आपके घर पहुंच गए होंगे लड़की वाले फौरी के, ये देखें आपने रिश्ता करवाया। फिर सच बोलना कि ये बाहर का रिश्ता है, इसकी इंक्वायरी मैं नहीं करवा सकती, बल्कि इधर का भी हो उसकी इंक्वायरी मैंने नहीं करवानी, मैंने आपको घर दिखाना है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उम्र, इसकी पढ़ाई, इसकी जो है कारोबार, इसके बहन भाई, जो आप चाहते हैं वो इसमें मुझे मिल गया, ठीक है, आप इसके जाके देखें, पसंद आ गए, लड़की देखे पसंद आ गई, फिर वेरीफाई करें लड़का सही निकला। यानी कि लाहौर के बहुत सारे बासियों ने खुफिया शादियां की हुई हैं? ऑफ कोर्स, बल्कि शादियां करके भी आगे से डिमांड होती है कि हम दूसरी शादी करना चाहते हैं, बीवी से परमिशन ले ली है, कई ले लेते हैं कई नहीं लेते, वो भी झूठ होती है बात मोस्टली। यस, ज़्यादातर वो भी झूठ। मैं फैमिली को आगे बता देती हूँ कि ये दूसरी शादी करना चाहता है या दूसरी रखना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जो जिनकी आपने शादी करवाई हो उनकी अहलिया मोहतरमा आपकी तरफ पहुंच गई हो? नहीं नहीं। या उधर बेटी वाले की तरफ पहुंच गई हो कि ये देखें मैं तो इसकी बेगम हूँ? नहीं नहीं, उनकी फैमिली भी साथ अटैच होती हैं, फैमिली मिली होती साथ, दुल्हन को पता ही नहीं चलने देती दुल्हन को, दूसरी या तीसरी दुल्हन आ रही है, चलने देते ना। कई दुल्हन वाले ऐसे होते हैं कि वो एग्री कर जाते हैं लड़के का घर बार स्टेटस देख के ना, एग्री कर जाते हैं, वो तो और स्टेटस है ना, वो तो मामला और है। आपको वाकया सुनाने लगे थे? मैं सुनाने लगा था कि ये दूसरी शादी की बात कर रहे हैं ना। आपकी तो एक ही है ना? मेरी एक ही है। तो वो ना भाई, हाँ एक ही है। ये तस्दीक, ये भी तस्दीक आपने करनी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, एक ही है शुक्र अल्लाह का। ये कैसे तस्दीक होगी? माशाल्लाह, ये इचरे मोड़ पे काम करते थे कौन आइसक्रीम का, भंडारा सेंटर में, और इतनी लड़कियां आती थी उस वक्त, जवानी थी इनकी, लेकिन कभी नंबर नहीं लिया, आज तक टच फोन नहीं रखा इन्होंने, दूसरा फोन रखा हुआ है। फोन क्यों नहीं रखना? लड़कियां शादी ना करनी पड़ जाए। तंग करते थी ना लड़के, आपसे डरते हैं? हमारी शादी को 35 साल हो गए हैं। नहीं, आपसे ये डरते डरते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, प्यार है, डरते नहीं। अच्छा, फिर वाकया पूरा सुनाए ना, क्या वाकया? ऐसे हुआ ना कि वो जो बता रहे हैं ना कि दूसरी शादी, तो उन्होंने ना कंप्यूटर पे रिकॉर्ड निकलवाया ना, तो उसकी 3 शादियां निकली।
वो भी बाहर जाने के लिए कागज़ बनवा रहे थे ना, पेपर, बच्चे के पेपर बनवाने थे बाहर जाने के लिए। तो जब उसका डाटा निकाला गया तो आपको पता है कंप्यूटर तो आजकल सच बोल देता है। अभी बच्चियां वाले आपके बहुत सारे सुन रहे होंगे, ख़ास तौर पे बच्चियों वाले रिश्ते करते हुए क्या ख्याल रखें, किन बातों का ख्याल रखें? सबसे बड़ी बात ये है कि उनको कम अज़ कम धोखा ना हो सके, ये लालच ना करें कि जी हमारी बेटी के लिए गाड़ी भी हो, घर भी हो, सब कुछ। लड़का देखे, अगर लड़का नेचर वाइज अच्छा है, खानदानी है, घर उसका अगर नॉर्मल, खानदानी की दो शादियां और निकल आए तो नहीं, जो अच्छे लड़के होते हैं ना उसमें थोड़ी बहुत कमी होती है, वो ये होती है कि घर मामूली होते हैं, थोड़ा बहुत होता है, या हालात इस तरह के नहीं होते, लेकिन वो इज्जत करने वाले होते हैं, करने वाले होते हैं ऑफकोर्स। बेटियों वाले शादी करते हुए इज्जत को सबसे पहले नंबर पर रखें, पहले खानदान देखें, लालच, लालच ना, हाँ जी लालच। ये लड़कों की तरफ से जो जहेज मांगने के मसाइल हैं ये कितने शदीद हैं? हमारी तरफ से कोई डिमांड नहीं है, वैसे जितने भी मेरे पास रिश्ते आए ना यही कहते हैं कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जब देखते हैं ना फिर रिश्ता देख के आते हैं। अगर मैं नॉर्मल फैमिली का दिखा देती हूँ कि ये आपके मुताबिक है, पढ़ी लिखी है, बच्ची प्यारी है, उम्र भी सही है, खानदान भी छोटा है, लेकिन इनका स्टेटस थोड़ा सा नॉर्मल है, फिर कहते हैं नहीं बाजी देखो ना साढ़े स्टेटस के हिसाब ना थोड़ा जहा गली मोहल्ले तो देखे ना आप, ये चीज़ तो देखे ना, तो हमें स्टेटस भी थोड़ा सा साथ ही ये डिमांड हो जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो गरीब घराने की बच्ची हैं उनका भी हक है अच्छे घरों में जाएं। और मेरी कोशिश होती है मैं अपनी गरीब बच्चियों को अच्छे घरों में शादी करवाऊं, और मैंने करवाई भी है। अभी मैंने पिछले महीने रमज़ान से पहले फरवरी में शादी करवाई है, मैंने बच्ची की, यतीम बच्ची थी उसकी मैंने शादी करवाई, एक ही बच्ची, मतलब ना कोई भाई ना कुछ, और माँ ने अपने सर पर किया उसका उसकी शादी। और गुलशन रावी में 10 मरले की कोठी उस लड़के की, दो भाइयों की, गाड़ी अपनी, आज़म मार्केट में उसका अपना कारोबार, और लड़का भी खूबसूरत, और माशाल्लाह आज खुश है, 4 महीने हो गए उसकी शादी को। बहुत शुक्रिया आपका जी।